तो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। एक महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ठेले से फल सड़क पर फेंकती दिखाई दे रही है। वीडियो ने इतना तूल पकड़ा कि भोपाल के डीएम अविनाश लवानिया ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भोपाल के डीएम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बयान ट्वीट किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला भोपाल के अयोध्या नगर का है। अयोध्या नगर में रहने वाली ये महिला पेशे से प्रोफेसर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला प्रोफेसर के घर के बाहर उसकी कार खड़ी थी। इसी दौरान पपीता बेचने वाला एक व्यक्ति ठेला लेकर कार के पास से गुजर रहा था, तभी कार के एक हिस्से में ठेला लगने के कारण खरोच आ गई। जब इस बात की जानकारी महिला प्रोफेसर को लगी तो उसने अपना आपा खो दिया। महिला ने सड़क पर आकर पहले तो ठेले वाले को खूब खरी खोटी सुनाई, इसके बाद उसने ठेले से फल फेंकना शुरू कर दिए। ये नज़ारा देखकर राहगीरों का भी मजमा लग गया। इस दौरान लोग महिला प्रोफेसर का हंगामा देखते रहे। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि महिला प्रोफेसर को रोका जा सके। अरे अरे आई तो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। ठीक है, मास्क लगे अपने घर में ऊपर से नीचे आ रही हूँ। यार आप सोच रही हो आप खाने वाले उठा उठा के फेंका है आपने। गरीब आदमी का भगवान करे आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। इस दौरान ठेले वाले ने महिला प्रोफेसर से कई बार मिन्नत की, लेकिन महिला प्रोफेसर ने उसकी एक न सुनी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर भोपाल के जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने संज्ञान लेकर महिला प्रोफेसर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने फल व्यापारी को ढूंढकर महिला प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसके बाद फल बेचने वाले व्यक्ति की तलाश भी जोरों पर है। इस बाबत भोपाल के डीएम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया। सोशल मीडिया पर भोपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला फल के हाथ ठेला से फलों को जमीन पर फेंकती नजर आ रही है। उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को महिला एवं हाथ ठेला वाले का पता करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भोपाल के डीएम के निर्देश के बाद फल बेचने वाले व्यक्ति की तेजी से तलाश की जा रही है। पुलिस महकमा भी सक्रिय हो गया है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा इलाके के व्यापारियों व फल मंडी के व्यवसायियों से ठेले वाले के बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर पीड़ित सामने आ गया और उसने अपनी ओर से शिकायत दर्ज करवाई तो महिला प्रोफेसर की परेशानी खड़ी हो सकती है। इस मामले में पुलिस धमकाने और फलों का नुकसान करने का मामला दर्ज कर सकती है। ये था बड़े भैया कि मैं पपीता बेचने के लिए निकला, मेरा ठेला थोड़ा सा उनकी गाड़ी में टच हो गया। उसके बाद मैं जो था वो ऊपर नीच कर ले क्या हो गया, मैंने मैडम गाड़ी में थोड़ा टच हो गया। उसके बाद कल कोई बात नहीं, मैं ठेला लेके आगे बढ़ा, वो अपनी फोर व्हीलर लेके आ गई और आते साथ पपीता फेंकना चालू कर दिया। मैंने मैडम ये क्या कर रही हैं आप, तो कह रही हम ऐसी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम कमिश्नर की लड़की हैं। और ठेला पलटा दिया हमारा। जब वहाँ के लोगों ने चिल्ला चोट करी तो वो गाड़ी लेके मोड़ के अपने घर चली गई। तो वहाँ के लोग बात कह रहे ये करीब में ही रहती हैं, वो ऐसी करती हैं, आप एक काम करो शिकायत करो। वीडियो बनाई कुछ लोगों ने ठेला पलटाते हुए माल फेंकते हुए और उसको वायरलेस किया, फिर 100 नंबर फ़ोन लगा दिया, 100 नंबर आ गई। हमने उनको वीडियो दिखाया, वो हमको थाने ले गए। थाने ले गए जो टीआई साहब से हमारी बात हुई, टीआई साहब कल क्या करना चाहते हैं। मैंने साहब हम क्या करेंगे, गरीब आदमी, हमको हमारा नुकसान मिल गया। कल्ले भी ठीक है, हमने उनको बुलाया, फिर उनके हस्बैंड आ गए। हस्बैंड जो है परचित के लिए कला, वो कल्ले बेटा कितने का क्या नुकसान हुआ। मैंने साहब 2000 का नुकसान हुआ। फिर उन्होंने हमको 2000 रुपये दिए। कल्ले बेटा आप कोई शिकायत तो नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना। यही कहना चाहते हैं कि आप गरीब आदमी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पैसे की घूस लेके या कुछ भी करके परेशान करो, कोई मतलब नहीं है। गरीबों की हाय निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।